अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा दोपहर के खाने का जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साग रखा था हमने, कहा चलिए इसे गर्म करते हैं, चावल के आटे की रोटी बना के तो हम दोपहर का खाना खाते हैं। तो साथ ही चावल का आटा बनाया, साग को रखा गर्म करने हांडी में, और साथ ही हमने ये देखिए चावल का आटा बनाया और रखा लेते हैं चावल के आटे की रोटी। ये बड़ी क्रिस्पी होती है, बहुत मज़े की लगती है। साग के साथ खाएं ना खाएं कोई मसला नहीं है, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा नमक ऐड हुआ हुआ होता है, बड़ी ही टेस्टी लगती है। ये देखें कितनी प्यारी बनी हुई है, पतली पतली और बड़ी प्यारी। अक्सर लोग जो है साग के साथ खाते हैं, लेकिन चाय के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने वो तो हो गया दोपहर का खाना, और ये अब रात के खाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने दाल चावल बनाने का सोचा, पानी रखा कुकर में चूल्हे पर, और उसमें शामिल किया नमक, एंड उसमें शामिल की हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च, और इसमें हमने शामिल किया हल्दी, सूखा धनिया कूट के, कुटा हुआ सूखा धनिया डाला और इसको शामिल किया। ये देखें हल्दी डाली, फटाफट हमने बना लिया। हमने कहा चलो और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम जल्दी से दाल चावल बना लेते हैं। तो ये देखें पानी, क्योंकि हमने गर्म डाला था टी मेकर में, पानी गर्म किया, कुछ पानी से हमने दाल धो ली और कुछ पानी हमने कुकर में डाल दिया, तो ये जल्दी से हो गया। चलिए जी, पानी हो गया गरम, इसमें शामिल की दाल, मूंग और मसूर की दाल है, ये तड़के वाली बड़ी अच्छी बनती है। मैंने बनाई कुकर में, कुकर को फिर मैं बंद करती हूँ। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है माशाल्लाह। चलिए इसे टमाटर शामिल किए, अब इसको हमने बंद कर दिया कुकर को फटाफट, ताकि 5 मिनट में ये दाल और दाल बन जाए, और उसके बाद इसे ढोक लें इसमें नमक की मदद से। यहाँ हम चावलों का तड़का बना रहे हैं, चावलों में डाला हांडी चूल्हे पर रखी, उसमें डाला ऑयल, ये सरसों का तेल है। आजकल मैं सरसों के तेल में खाने बना रही हूँ, बहुत हेल्दी है, बहुत इसके फायदे हैं, कुकिंग ऑयल से तो बहुत ही अच्छा है। इसमें शामिल कुकिंग ऑयल डाला और इसमें शामिल किया जीरा, और इसमें शामिल की हरी मिर्च डाल सकते हैं, जब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखें इतना फ्राई करेंगे कि फ्लेवर जो है मिर्चों का पूरी खुशबू का उसमें घी में आ जाए, थोड़ा उसका कलर भी पता चल जाता है कलर से, कि मिर्चें फ्राई हो गई। और फिर इसमें शामिल करेंगे हम पानी, जैसे इसका तड़का रेडी हो जाएगा इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, स्टील का गिलास लाएंगे, और इसमें हम 4 गिलास पानी डालेंगे। चावलों को भी ज़्यादा नहीं भिगोया, बस 10 मिनट भिगोया था, 10 मिनट में हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए आप पानी शामिल कर रहे हैं, 4 गिलास हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। उधर कुकर में दाल पक रही है, 5 मिनट गुजरेंगे तो मैं कुकर जो है चूल्हा बंद कर दूँगी और खोल दूँगी। ये देखिए हमने इसमें शामिल किए 4 गिलास पानी, ये हो गया चावलों का तड़का। कुकर में बन रही है दाल, सर्दियों का भी जो है ना ठीक रेसिपी है, कि बंदा सर्दी में किचन में खड़ा नहीं जाता, इतनी ठंड है जिसकी हद नहीं। हमने कहा चले कुकर में फटाफट बनाए और निकले बाहर। चलो अब इसमें डाली 1/4 टीस्पून किसी भी काली मिर्च शामिल की, 2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक का, फिर चख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो और शामिल कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं डालना। चलो जी, कवर किया चावलों की हांडी को, उबलने के लिए रख दिया, और यहाँ कुकर जो है इसका टाइम आ गया, इसको अब बंद करेंगे, इसके 5 मिनट होने वाले थे। तो ये देखो चूल्हा मैंने बंद किया दाल का, और स्टीम निकाली, कुकर का ढकना हटाया, और लोई की मदद से मैंने इसको फेंकना शुरू कर दिया। गलीम तो काफ़ी थी, बस ये है कि इसका टेक्सचर ऐसे बनाना था जैसे गलीम जैसा हो ना, ये ना हो कि पानी अलग हो दाल अलग हो, वो अच्छा नहीं लगता। चलिए जी, चावलों का पानी उबलना शुरू हो गया, इसमें शामिल करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल शामिल करते हैं। माशाल्लाह, बस जल्दी जल्दी ये हमारा जो है ना लंच रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। सॉरी, डिनर है ये, लंच नहीं है। लंच में तो हमने खाए साग और चावल के आटे की रोटी, ये डिनर है, अभी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। चावल बन गए, उधर दाल घोट रही हूँ, और उधर पूरी डंडे में लहसुन और अदरक चौक हो रहा है, तो उसका हम इसको दाल को लगाएंगे तड़का।
चावल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनता है। खुशबूदार चावल है ये, कायनात चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। चलिए जी चावलों का आ गया दम का टाइम, इसे दम लगाते हैं और फिर दाल की तरफ तवज्जो देते हैं। अब इसको आगे इसके जो है वो तड़का छड़का लगाना है, इसको दम लगाते हैं। ये दम पे आ गए बेहतरीन चावल बने, हालांकि मैंने बराबर पानी डाला है, कम डालना चाहिए, लेकिन फिर भी चावल बहुत अच्छा बना, बुरा नहीं, बहुत अच्छा चावल बना। चावलों को दिया दम, अब हो गए दाल की तरफ। दाल में शामिल करते हैं हरा धनिया। दाल अच्छी खासी घुट गई थी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था ताकि जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी हो उसका उड़ जाए, खुश्क हो जाए। हरा धनिया शामिल किया, बहुत अच्छी हलीम जैसा इसका टेक्स्चर हो गया था, दाल बहुत अच्छी बन गई थी। साथ ही मैंने फ्राई पैन रखा चूल्हे पे, उसमें डाला ऑयल और उसमें मैंने अब शामिल किया लहसुन और अदरक जो कि कुंडी डंडे में कुटा हुआ था। ये देखें इसका हम दाल का बना लेते हैं तड़का, ये भी सरसों के तेल में बहुत अच्छा खाने बन रहे हैं आजकल। तो जब से सरसों का तेल यूज़ करना शुरू किया है ना, बड़े टेस्टी खाने बन रहे हैं, फुल हेल्दी है, बहुत इसके फ़ायदे हैं सरसों के तेल के, कोई नुकसान नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये। ये देखें दाल कैसा टेक्सचर बन गया, जैसे हलीम बना पड़ा हो, गली भी तो थी ही, बस थोड़ा सा जैसे इसमें डोई हिलाती रही तो ये टेक्सचर बन गया। चलिए जी तड़का तकरीबन रेडी है और इस दाल में शामिल करते हैं तड़का। लहसुन जो है ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तब जब ये तड़का बन रहा था ना, कुंडी डंडे में लहसुन और अदरक को कूटा था तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में तड़के की खुशबू थी यकीन करें। क्या बात है, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। दाल में शामिल किया और दाल भी देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आया है दाल के ऊपर, बड़ा ही प्यारा लग रहा है आंखों को देखने में। ये देखिए तड़के बड़ी प्यारी खुशबू थी, बड़ी बहुत प्यारी खुशबू थी। माशा दाल हो गई है रेडी, जैसे चावल रेडी होते हैं फिर हम खा लेंगे। बड़ी ही अच्छी बनी थी दाल, सब्जियों के छोटे दिन है पता भी नहीं चलता, दोपहर को क्या बनाए रात को क्या बनाए, दोपहर का खा के हटें तो असर की अजाने हो जाती है, पता नहीं चलता। तो थोड़ी देर चाय शाय पिए फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या रात में क्या बनाया गया। वो दोपहर का तो आसानी हो गई, हमने जैसे चाय वाय पी हमने कहा चले आज साग की खत्म करते हैं, चावल की रोटी बना के चावल के आटे की। चलिए जी चावलों का भी दम का टाइम पूरा हुआ और हम अब चावल निकाल के चेक करते हैं, चावल रेडी हैं तो फिर खाना निकालते हैं। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे चावल बन गए, ये देखें ये थोड़ा सा जो येलो येलो दिख रहा है ना ऊपर से, ये सरसों के तेल का ही कलर है, वो मिक्स जब हो जाते हैं तो फिर बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें चावल बड़े प्यारे खिले खिले से चावल बने, चावल ट्राई करते हैं गल गए हैं तो फिर हम खाना निकालते हैं। बड़ा अच्छा चावल बनता है माशाल्लाह, चलें चावल ट्राई करते हैं। चलिए जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खाने की ट्रे बन गई है, चलें जी हम खाते हैं खाना। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।